But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for myself. The really glass is still. I couldn't work, no Vladimir. They want me to lose, but I came on machine like a thousand tears. I can't be that to waste. Pull up in Mercedes. Next year, we'll see me pull up in the race. All I got bought, mama told me, boy, make sure you start. ओके, ये रहे आपका पांच सीक्रेट है शॉर्ट ट्रिक। ये पांच ट्रिक को आप सही से फॉलो करोगे उसके बाद गेम में अप्लाई करोगे ना, मेरे जैसा एक स्कॉट को भी वाइप्ड आउट कर पाओगे। हाँ भाई, एकदम सही सुन रहे हो। सो हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। और भाई, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर आपके भाई बताएगा M500 ऑटो हेड शॉट ट्रिक। देखो भाई, आज की जो वीडियो है ना छोटा है, प्लीज एंड तक देखो, स्किप मत करो, ठीक है। आप स्किप करोगे ना बहुत तगड़ा वाला सीक्रेट ट्रिक आप मिस करोगे, उसके बाद मेरे को कमेंट में आके बोलोगे भाई आपका ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है। ये सब कमेंट देखने के बाद आपके भाई को बुरा लगता है। हाँ भाई, सच में बुरा लगता है। तो भाई प्लीज वीडियो एंड तक देख लेना, और जो जो भैया मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो ना, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आपका छोटा भाई का चैनल को, क्योंकि आपका जो भाई है ना ऐसा ही नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक। टिप्स नंबर 1, सेंसिटिविटी सेटिंग। भाई आपको जो सेंसिटिविटी सेटिंग बताऊंगा ना, आप एक बार कर लेते हो तो M500 से बंदे को बहुत ही ओपी लेवल की हेडशॉट दे पाओगे। M500 से हेडशॉट देने के लिए जनरल और रेड डॉट दोनों बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको बोलूंगा जनरल 100 कर देना, उससे कम मत करना, ठीक है। और उसके नीचे जो रेड डॉट है ना, रेड डॉट को बस 95 रखो, 95 से ज्यादा मत करो। टिप नंबर 2, तगड़ा वाला एम सेट। अब कहा एम सेट करोगे, उसके बाद थोड़ा सा ड्रैग करोगे ना बंदे को, मक्खन की तरह हेडशॉट दे पाओगे। आपको एम सेट करने के लिए 3 सीक्रेट प्लेस बताऊंगा। अब वहां पे एम सेट करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करोगे ना बंदे को, बहुत ही इजीली हेडशॉट दे पाओगे। चलिए दिखाते हैं कौन सा प्लेस है। देखो भाई, आपका जो एम है ना, एम एनिमी की राइट साइड और आपके लेफ्ट साइड में रखना। और आपका जो एम है ना, एम रेड हो या व्हाइट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको रोटेशन ड्रैग देना पड़ेगा, बंदे को बहुत ही इजीली हेडशॉट दे पाओगे, एक भी गोली मिस नहीं होगा। और एक जो सीक्रेट प्लेस है भाई, आपका जो एम है ना, एम एनिमी की पैरों के सामने रेड करना, ठीक है। रेड करने के बाद अब थोड़ा सा ड्रैग करना, बंदे को बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हेडशॉट दे पाओगे। और एक जो सीक्रेट प्लेस है भाई, वो है एनिमी की चेस्ट के ऊपर। हाँ भाई, एकदम सही सुना, एनिमी की चेस्ट के ऊपर एम रखने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करना भाई, एक भी गोली मिस नहीं होगा, बहुत ही इजीली हेडशॉट दे पाओगे बंदे को। टिप नंबर 3, रेंज। भाई गेम में 3 तरह की रेंज होता है, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज। ये 3 रेंज में आप कहां एम रखोगे आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। आपके सामने कोई बंदा है, वो बंदा शॉर्ट रेंज में है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो एम है ना, एम आपको व्हाइट करना पड़ेगा। व्हाइट करने के बाद बंदे के हेड के बराबर आपको सुपर फास्ट ड्रैग करना पड़ेगा भाई, बहुत ही इजीली हेडशॉट लगा पाओगे। मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में आपको सेम ट्रिक यूज करना पड़ेगा। देखो भाई, आपका जो एम है ना, एम एनिमी की पैरों के नीचे रेड करो, ठीक है। और नहीं तो आपका जो एम है ना, एम एनिमी की चेस्ट के ऊपर रखो, उसके बाद आप ड्रैग करो, बंदे को बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हेडशॉट दे पाओगे। टिप नंबर 4, मिस्टेक्स। भाई आप लोग कौन सा मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से बंदे को हेडशॉट नहीं लगा पाते हो, चलिए आपको दिखाते हैं। आपके सामने कोई बंदा है, आप कौन सा मिस्टेक करते हो, आप फायर करने के साथ साथ जॉयस्टिक यूज करते हो, इसलिए आपका जो गोली है ना, गोली बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है, ठीक है। हेड नहीं लगता है, एनिमी की बॉडी के ऊपर जाके चिपक जाता है आपका फायर। अब जॉयस्टिक यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने कोई बंदा है, अब जॉयस्टिक यूज करके कैरेक्टर को इधर उधर घुमाओ, ठीक है। जिस समय आप फायर करोगे ना, खड़ा होके फायर करना, हेडशॉट लगने का चांस 90% बढ़ जाता है। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस। मैं जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया ना, 100% वर्किंग ट्रिक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है। अब प्रैक्टिस करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पहले से आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया ना, आपके भाई खुद यूज़ करता है। तो भाई आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।